ANDT वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आपके पहचान पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को किस प्रकार से शिकायत दर्ज की जाती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। जी हाँ, पहचान पत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतें या समस्याएं आप सामना कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दी, उसका रिजेक्ट मार दिया जाता है, या आपने किसी भी प्रकार के एपिक कार्ड में संशोधन हेतु अप्लाई किया है, लेकिन उसे जैसे आप नाम चेंज करना चाहते हैं, फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, आपने कई बार एप्लीकेशन चढ़ा दी लेकिन उसे रिजेक्ट मार दिया जाता है, या आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने BLO साहब से कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आप तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स या किसी भी प्रकार की समस्या को आप सामना कर रहे हैं, एक वोटर आईडी कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के सहायता से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी बात को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रीवेंस दर्ज कराना होगा। ग्रीवेंस दर्ज कराने के साथ साथ आप ना केवल उसे ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि आप ERO कार्यालय में जाकर आप पता कर सकते हैं कि मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, इसके संबंध में आपने क्या उस पर उचित कार्रवाई करी। तो आइए अब इसको मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से सीखते हैं कि किस प्रकार से वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आप अपनी ग्रीवेंस यानी कि शिकायत को दर्ज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से शिकायत दर्ज करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर पर चलेंगे, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में वोटर हेल्पलाइन ऐप टाइटल लिखना होगा, जो मैंने कि लिखा हुआ है, ये कहिए आपको टाइटल लिखना है और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑफिशियल वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाई गई है उसका ये लोगो है, आप इसी लोगो वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें। ओपन करने पर आपको इसमें लॉगिन होना होगा। जी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आपको इसमें लॉगिन होना है। यदि आपने लॉगिन अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। जी हाँ, शिकायत दर्ज करने के लिए आप स्किप लॉगिन ऑप्शन का उपयोग नहीं कर सकते, आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के लिए हम न्यू यूजर, जो हमारा ऑप्शन है न्यू यूजर, इस ऑप्शन की सहायता से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। न्यू यूजर पर टैप करते हैं। न्यू यूजर पर टैप करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर आपके द्वारा उपयोग में लिए जाने चाहिए, आपके सिम कार्ड जो है आपके मोबाइल में होना चाहिए। OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इसी मोबाइल पर समय समय पर आपकी शिकायत के संबंध में मैसेज आपको प्राप्त होंगे। OTP ऑथेंटिकेशन करने के पश्चात आपको ईमेल ID, EPIC नंबर जो आपका पहचान पत्र नंबर है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसे लॉगिन करना है। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है इसलिए मैं लॉगिन होऊंगा। ये मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ। लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको एप्लीकेशन का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। आपको क्योंकि एक शिकायत दर्ज करनी है, शिकायत आप वोटर आईडी कार्ड संबंधित आप किसी प्रकार की समस्या से आपको सामना कर रहे हैं, तो आपको शिकायत दर्ज करनी है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए इसमें दिए हुए कंप्लेंट्स ऑप्शन जो है, इसकी सहायता से आप शिकायत दर्ज करेंगे। आप कंप्लेंट्स पर टैप करेंगे। कंप्लेंट्स पर टैप करने के पश्चात आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जिस भी आप स्टेट और सिटीज़ को बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सूचना फिल करनी होगी। तो हमें ऑल इंडिया की जगह आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। ये मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं उस सिटी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात तीसरा जो है वो है आपकी विधानसभा। विधानसभा क्षेत्र आप बहुत सावधानी से चुनें, अन्यथा ये उस दूसरी विधानसभा क्षेत्र में चला जाएगा और हो सकता है कि वहाँ पर आपकी शिकायत को खारिज कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सही चुने। उसके पश्चात आती है कैटेगरी। कैटेगरी दो प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। आप इलेक्शन पीरियड यानी कि इलेक्शन के दौरान होने वाली गतिविधियों की शिकायत करना चाहते हैं, या नॉन इलेक्शन यानी कि आप पहचान पत्र से संबंधित जो शिकायतें हैं वो नॉन इलेक्शन पीरियड वाले ऑप्शन की सहायता से आप दर्ज कर सकते हैं। उसके पश्चात है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आप यहाँ देख रहे हैं EPIC कार्ड और पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि हमारी शिकायत पहचान पत्र से संबंधित है इसलिए हम यहाँ पर EPIC कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात है आपका सब्जेक्ट, यानी कि आप EPIC कार्ड में किस सब्जेक्ट पर आप शिकायत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा एक
जो एप्लीकेशन है उसको बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमने कई बार आवेदन कर दिया, हमने BLO के माध्यम से भी आवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी हमारी जो है EPIC कार्ड बन के नहीं आ रहा या EPIC कार्ड में संशोधन नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फ्रॉम रिजेक्शन, इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन टॉपिक्स, जिस भी टॉपिक को आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपको समस्या है उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन फ्रॉम रिजेक्शन जो हमारा कारण है, हमारी सब एप्लीकेशन को बार बार रिजेक्ट मार दिया जाता है, हम उससे जो है ECI से पूछना चाहते हैं कि क्यों हमारा एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद शायद आपको यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पर लिखना है कि किस किन माध्यमों से कितनी बार आपने यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी जो है किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हो, चाहे फॉर्म नंबर 6 हो, 7 हो, 8 हो, जिस भी प्रकार के आपने एप्लीकेशन यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं बार बार वो रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके पश्चात मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर भी अगर आप उपलब्ध करा देंगे, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है या किसी अन्य माध्यम से फॉर्म भरा है, तो आप अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है उस एप्लीकेशन का जो आपने ऑनलाइन चढ़ाई थी, तो उसका आप रेफरेंस नंबर भी आप लिख देंगे यहाँ पर, तो भी आप की शिकायत का निवारण जल्दी और आसानी से किया जा सकेगा। तो आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है अपनी शिकायत से संबंधित। उसके पश्चात आपको जो आपने शिकायत का जो प्रूफ है, जैसे आपने एप्लीकेशन नंबर आपको अलॉट हुआ है, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन से प्रिंटआउट प्राप्त हुई होगी, रेफरेंस नंबर की प्रिंटआउट प्राप्त हुई होगी, या फिर आप चाहें तो एक सादे कागज़ पर अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। आप संबंधित जो आपके SDM या ERO साहब जो बैठते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, उनके नाम आप सिंपल एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, उसमें आप पूरी विवरण लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हो सकता है कि आप जितनी जानकारी लिखना चाहते हैं वो आप लिख ना पाएँ, तो आप एक साधारण एप्लीकेशन बनाकर भी उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो आप, मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी है, मैं उसको गैलरी की सहायता से यहाँ पर अटैच करूँगा। ये मेरी एप्लीकेशन मैंने बना ली है, इस एप्लीकेशन को मैं अटैच करूँगा। एप्लीकेशन अटैच होने के बाद आपको इंश्योर कर लेना है कि उसका प्रीव्यू शो हो जाना चाहिए। अगर प्रीव्यू शो नहीं होता है, आपको प्रीव्यू दिखाई नहीं देता है, तो आपको दोबारा से कैमरा या गैलरी की सहायता से उस एप्लीकेशन को या आपके दस्तावेज को जो भी शिकायत से संबंधित है आपको उसको अटैच करना होगा। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने पर आपको एक बार फिर से इसे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र सही है, ये विधानसभा क्षेत्र सही होना चाहिए, अन्यथा अगर गलत विधानसभा क्षेत्र में आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, आपकी ग्रीवेंस चली जाएगी, तो उसे वहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी। दूसरा है, आपने सब्जेक्ट लिया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट, यानी कि मैं बार बार अपना आवेदन कर रहा हूँ फॉर्म नंबर 6 भरने का या करेक्शन करने का, उम्र में बदलाव करने का, नाम में बदलाव करने का, उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो मेरा टाइटल है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है आपसे कहा था आप रेफरेंस नंबर भी लिखें, अगर रेफरेंस नंबर नहीं है, आप ऑफलाइन BLO साहब को दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिटेल लिखें, जो भी आप समस्या से आप समस्या आप जिसको फेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर लिखें। उसके पश्चात आपको क्योंकि हो सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी पूरी समस्या ना लिख पाएँ, तो आप अपनी एप्लीकेशन लिखें, या आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रोवाइड कराया गया है इस समस्या से संबंधित, तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जब आप सब कुछ कंफर्म हो जाए, तो आपको इस मैसेज बॉक्स के कंफर्म बटन पर टैप करना है। कंफर्म बॉक्स के पर टैप करने के पश्चात आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी दी गई है। आप चाहें तो इस रेफरेंस आईडी को नोट कर लें, अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तो भी आप इसी वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की सहायता से आपकी ग्रीवेंस को ट्रैक कर सकते हैं। आपने जो शिकायत दर्ज कराई है आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रीवेंस को ट्रैक करना है। आप ओके पे टैप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपकी ग्रीवेंस को ट्रैक करना है कि मेरी जो ग्रीवेंस है वो कहाँ तक पहुँची, उस पर क्या रिप्लाई दिया। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली एक्सप्लोरर जो मेन्यू है यहाँ पर आना है। एक्सप्लोरर मेन्यू पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चेक स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस, यानी कि आपकी शिकायत का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के पश्चात आपने ये देखिए, ये मेरी जो लास्ट वाली ग्रीवेंस है, ये इस ग्रीवेंस आपको नंबर अलॉट, अगर आपने नंबर नोट नहीं भी किए हैं तो भी आपको आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सी ग्रीवेंस मैंने जो है दर्ज कराई थी। तो आपको सिंपली ग्रीवेंस नंबर पर टैप करना है। ग्रीवेंस नंबर पर ये देखिए, ये मैंने पहले दर्ज कराई थी, उसके ठीक ऊपर ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन, ये मेरा कारण था। स्टेटस अभी ओपन आ रहा है, यानी कि अभी इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, अभी केवल ये इसको अलॉट भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं, ECI टीम ने इस पर क्या क्या इस पर रिप्लाई किया, ECI टीम के द्वारा इस पर क्या रिप्लाई किया गया, आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से
अपने पहचान पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या की आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर सुनवाई की जाएगी और आपके पहचान पत्र संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा। थैंक यू।